YouTube चैनल। सो आज सेकंड लेक्चर है आपका इंटीग्रेशन का, इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन बोलो या फिर इंटीग्रल्स बोलो, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम दिया हुआ है, एक ही बात है। सो ये सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने जस्ट इंट्रोडक्शन लिया था कि इंटीग्रेशन शुरू कहाँ से हुआ था, वो लेबनिट्ज़ और न्यूटन वाली जो लोग बोलते हैं कि इनके बीच में वॉर है कि कैलकुलस किसने डिस्कवर करी, लेबनिट्ज़ ने या फिर न्यूटन ने, उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा था, फिर उसके इंटीग्रेशन के टाइप्स देखे थे, इंडेफिनेट, डेफिनेट, यूज कहाँ कहाँ होता है, किन किन चीज़ों के लिए यूज होता है इंटीग्रेशन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। कौन से वाले? जैसे कि हमने टेन एक्स का फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, sec x का, cosec x का, इन सब चीज़ों का फॉर्मूले हमने नहीं पढ़े थे। क्यों? क्योंकि कोई भी हमारे पास ऐसी चीज़ नहीं है जिनका डिफरेंशिएशन करने पे हमें ये प्योर क्वांटिटी मिल जाए, इसलिए हमें थोड़ी सी टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी उनको, उनका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए। उसके बाद हम एक्सरसाइज 7.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, एंड उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपके एनसीईआरटी में सबसे पहला मेथड है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले हम फॉर्मूले से अगर स्टार्ट करें, इंटीग्रल फॉर्मूला हमारे पास, देखो मैंने कल आपको साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, एंड उसके बाद आपका साइन इनवर्स एक्स वाला, मतलब साइन इनवर्स एक्स का नहीं, 1/√1 − x² का, इसका 1/√1 − x² का कॉमा, फिर इसका नेगेटिव वाला भी, एंड उसके बाद हमारा 1/1 + x², फिर उसके बाद 1/(x√x²−1) एंड x^n, उसके बाद हमने क्या डिस्कस करा था, e^n एंड a^x। a^x का क्या होता है? a^x का इंटीग्रेशन होता है a^x/log a। ये चीजें हमने डिस्कस करी थी, बट हमने tan x के बाद cot x, sec x, cosec x, इन चारों के इंटीग्रल्स डिस्कस नहीं किए थे। क्यों? देखो साइन एंड कॉस में एक स्पेशल चीज है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो हमें −sin x मिल जाएगा, ठीक। अगर हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करके हमें कॉस एक्स मिल जाएगा, बट अगर हम टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो हमें कोई प्योर क्वांटिटी नहीं मिल रही, मतलब जैसे cos x पे हमें sin x मिल जा रहा है, सिर्फ ये sin x है, ये sin square x नहीं है, root sin x नहीं है, आपका sin cube x कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका sin x है, एंड माइनस साइन हम नेगोशिएट कर लेंगे यहाँ पे, मतलब sin x का हो जाएगा −cos x इंटीग्रल। सिमिलरली अगर tan x का करें तो यहाँ पे हमारा sec² x, अब आप बोलोगे कि रूट उधर ले जाओ तो रूट सिर्फ tan x पे लगेगा, रूट लगेगा आपका डिफरेंशिएशन के ऊपर भी, तो वो चीज आपकी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, वो आपके सिलेबस में ही नहीं है अभी, तो हमें हम sec x का इंटीग्रल नहीं निकाल पाए थे। उसके बाद हम अगर sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, तो हम tan x का भी डिफरेंशिएशन नहीं निकाल, वो इंटीग्रल नहीं निकाल पाए थे। इन क्यों नहीं निकाल पाए थे? देखो tan x का हमारा स्क्वायर में आ रहा है, कोई और ही फंक्शन बन गया ये, फिर sec x का आया हमारा sec x tan x, अब यहां से हम sec x इस साइड ले जाए तो वो चीज हमारी फिजिबल नहीं है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले है, वो फॉर्मूले कहां से है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे, इन फॉर्मूले को पहले नोट डाउन कर लेते हैं, उसके ऊपर हम कम से कम 4 to 5 to 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इन पे जाएंगे कि ये फॉर्मूले आए कहां से हैं। देखो सबसे पहले हमारा इसका इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, log − log cos x + c cos x log के साथ है, ठीक। एक और इंटीग्रल होता है इसका log 1/cos x + c, ये 1/cos x भी log के साथ है, या फिर log cos x का रेसिप्रोकल sec x + c, ठीक। अब देखो tan x है, अब हमें ये चीज देखना है कि अगर tan x को इंटीग्रेट करके ये चीज मिल रही है तो इसको डिफरेंशिएट करके हमें tan x मिलना चाहिए, क्या चीज, इस पूरी चीज को डिफरेंशिएट करके हमें ये चीज मिलनी चाहिए, करके देख लेते हैं, −log x − log cos x है, एंड प्लस में कोई c कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, पहले माइनस एज इट इज,
लॉग कॉस एक्स है, तो मतलब लॉग का हो जाएगा वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस एंड ये साइन एक्स, प्लस सी का जीरो, तो साइन अपॉन कॉस टेन एक्स हो गया। हाँ भाई हमारा आंसर सही आ रहा है इसका डिफरेंशिएट करके, तो टेन एक्स का जो इंटीग्रल है वो ये हो सकता है क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन टेन एक्स है। ठीक, तो बाकी की ये दोनों फॉर्मूले कहाँ से है, ये दोनों फॉर्मूले लॉग की प्रॉपर्टी से आए हैं। देखो माइनस साइन हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल करके एडजस्ट कर लिया, एडजस्ट आपको यही पता होगा कि लॉग एम अपॉन एन इक्वल्स टू लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, m की वैल्यू 1, n की वैल्यू cos x, m की वैल्यू आप यहां पे 1 डालो तो यहां पे log 1 एंड यहां पे आपका n की वैल्यू अगर cos x डालो तो ये हो जाएगी, n की वैल्यू यहां पे हम डालें अगर cos x एंड m की वैल्यू 1, तो log 1 की वैल्यू 0, तो हमारा माइनस log cos x इक्वल्स टू उसका रेसिप्रोकल कर दो और माइनस साइन एडजस्ट हो जाएगा। अब 1 अपॉन cos x क्या होता है, sec x, तो ये तीन फॉर्मूले आपके टेन एक्स के इंटीग्रल हैं। अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी कंडीशंस के हिसाब से, जैसा भी क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से हम तीनों में से कोई सा भी एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब कॉट एक्स का एक्स की रेस्पेक्ट में इंटीग्रल क्या होगा, इसका बहुत ही सिंपल है, लॉग साइन एक्स प्लस सी, इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। कैसे, देखो ये टेन का रेसिप्रोकल है साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करके हमें कॉट एक्स मिलना चाहिए, हमारे पास क्या है log sin x प्लस c, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x में 1 अपॉन sin x एंड sin x का हो गया cos x, c का हो गया 0, तो cos अपॉन sin इज cot x, इसको डिफरेंशिएट करके ये मिल रहा है, तो इसको इंटीग्रेट करके ऑब्वियसली हमें ये चीज मिलेगी। तो इसके बाद क्या चीज है, ये हमारा sec x, sec x का क्या फॉर्मूला है हमारा, इंटीग्रल ऑफ sec x विद रेस्पेक्ट टू ds, एक log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x प्लस c, देखो हम हमेशा प्लस c लगाते हुए चल रहे हैं, आप प्लस c अगर भूल जाओगे हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा, तो आपको हाफ मार्क्स ऐड करते करते ही आप 90 प्लस 95 प्लस तक पहुंचोगे, तो ये प्लस c आपका काफी इंपॉर्टेंट है। सो अगर sec x का इंटीग्रल ये है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए, करके देख लेते हैं आप, log sec x प्लस tan x प्लस c, इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट मतलब log का हो गया 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन ये पूरी क्वांटिटी sec x प्लस tan x, उसके बाद चेन रूल के अकॉर्डिंग अंदर आएंगे, sec x का हो गया हमारा sec x tan x, sec x tan x एंड tan x का हो गया sec square x, sec x कॉमन लो, sec x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में बचेगा sec x, ब्रैकेट में बचेगा sec x प्लस tan x एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास sec x tan x है ही प्लस tan x, ये कट गया हमारा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया, sec x बचा, इसको अगर डिफरेंशिएट करके ये आ रहा है तो इसको इंटीग्रेट करके हमें ये आंसर मिल जाएगा, तो हमारे पास sec x का भी फॉर्मूला हो चुका है। इसके बाद हमारा log इसका होता है log cos x, इसका विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रल क्या होगा, log cos x माइनस cot x, ये होता है इसका फॉर्मूला, इसका भी आप करके देख सकते हो, वही log से पहले इसका 1 अपॉन x में जाएगा, फिर इसका अलग होगा, फिर इसका अलग होगा, चीजें कॉमन आएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी एंड फिर आपका लास्ट में यही चीज बचेगी। तो इससे मतलब ये आपके चार फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 7.1 पे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी नोटबुक में खुद लिख के नोट डाउन कर लो। सबसे पहला हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल किस टाइप के, तो एग्जाम्पल से क्या होता है हमें थोड़ा आइडिया लगता है कि एक्सरसाइज का लेवल क्या है एंड हमें एक्सरसाइज में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है फाइंड इंटीग्रल्स ऑफ, किसका इंटीग्रल फाइंड करना है हमें, तीन क्वेश्चन दिए हैं ठीक, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, पहली चीज ये, इसका हमें मतलब इसकी वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ एक्स। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा x रेस्ट द पावर 2 अपॉन 3
plus I think 1, yes, x raised to the power 2 upon 3 plus 1 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है. एंड थर्ड पार्ट इज हमारा x raised to the power 2 by 3, x raised to the power 3 by 2 plus 2 raised to the power ex minus 1 upon x, ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x. सामने सामने करते जाएंगे. अब देखो, आपको लग रहा होगा कि काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है. क्यों? क्योंकि इसके न्यूमरेटर में एक क्वांटिटी है, इसके डिनोमिनेटर में एक क्वांटिटी है. ये दोनों तो आपको फिर भी इजी लग रहे होंगे. जैसे हमने पढ़ा था कि x रेज टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. ये चीज आप उठा के यहाँ पे लगा सकते हो. फिर e रेज टू द पावर x का e रेज टू द पावर x 1 अपॉन x का log x, वो हम देखेंगे. बट पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं. कई बार क्या होगा, आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करना है. डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करना, आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करने जाओगे, आप सोचोगे कि मैं डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर दूं, वो चीज आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने उस लेवल की चीजें पढ़ी नहीं है या फिर आपके सिलेबस में वो चीजें हैं ही नहीं अभी. तो आपको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है. अभी देखो, ये सिंप्लीफाई हो सकता है कैसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल्स के अंदर एक्स क्यूब, सॉरी यहाँ पे हमारा है एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर को दोनों के नीचे अलग अलग डिनोमिनेटर ले लो, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक, डीएक्स. अब आपको काफी हद तक चीजें सिंप्लीफाई होती हुई दिख रही होंगी. एक्स स्क्वायर से क्यूब वाली पावर कट गई, एक्स स्क्वायर ऊपर जाके एक्स रेज़ टू द पावर माइनस वन बन जाएगा, एक्स रेज़ टू द पावर माइनस टू. तो इसका इंटीग्रल हो गया एक्स माइनस एक्स रेज़ टू द पावर माइनस टू एंड डीएक्स. नाउ हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें. तो देखो, हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं किया, हमने पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा, यहां तक पहुंचे. अब यहां से हमारे लिए काफी इजी है. एक्स का हो जाएगा, एक्स का क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एक्स रेज़ टू द पावर वन थी तो एक्स रेज़ टू द पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, तो एक्स रेज़ टू द पावर वन प्लस वन हो गया एक्स रेज़ टू द पावर टू, एंड अपॉन में वन प्लस वन हो गया अपॉन में टू माइनस. इसमें देखो आप, एक्स रेज़ टू द पावर माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन क्या हो गया, मीन माइनस वन, एक्स रेज़ टू द पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन. तो ये माइनस यहां से हटाओ एंड यहां से माइनस माइनस प्लस कर दो. तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स रेज़ टू द पावर माइनस वन है, उसको नीचे लाके हम पावर पॉजिटिव बना लेते हैं एंड प्लस में हमारा सी, प्लस सी हमें नहीं भूलना है, ठीक. तो हमने देखो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं किया, इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे करा. इन दोनों स्टेप्स में हमने थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करा ताकि हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाए. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन काफी ईजी हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया हमने. एक्स रेज टू द पावर टू अपॉन थ्री, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा, इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन की बात ही नहीं है. इसमें एक्स रेज टू द पावर एन का फॉर्मूला लगेगा एंड इसमें एक्स रेज टू द पावर जीरो है तो उसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे. एक्स रेज टू द पावर टू अपॉन थ्री है तो एक्स रेज टू द पावर टू अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन टू अपॉन थ्री प्लस वन, प्लस वन का इंटीग्रेशन होता है वन प्लस सी. तो ये हो गया एक्स रेज टू द पावर फाइव अपॉन थ्री एंड इसका सॉल्व करोगे तो आपको ये चीज मिलेगी. ये इसको सॉल्व करोगे टू अपॉन थ्री का तो यहाँ पे हो जाएगा ये फाइव अपॉन थ्री, इसका जब रेसिप्रोकल लोगे तो ये थ्री अपॉन फाइव हो जाएगा प्लस एक्स एंड प्लस सी. ये आपका फर्स्ट वाले से अलग है, ठीक. ये हो गया आपका सेकंड वाले का आंसर. थर्ड वाला सॉल्व करते हैं जल्दी से. थर्ड वाले में देखो काफी सारी चीजें हैं. एक्स रेज़ टू द पावर थ्री अपॉन टू, एक्स रेज़ टू द पावर थ्री अपॉन टू है तो एक्स रेज़ टू द पावर थ्री अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री अपॉन टू प्लस वन, ठीक. फिर प्लस टू रेस्ट टू द पावर ई एक्स का, टू रेस्ट टू द पावर ई एक्स ही रहेगा टू क्योंकि कॉन्स्टेंट है टू एज इट इज, ई रेस्ट टू द पावर एक्स का ई रेस्ट टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होता है लॉग एक्स एंड प्लस में सी. अब इसको सॉल्व कर लो जल्दी से एंड हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा. तो इसका आंसर होगा एक्स रेस्ट टू द पावर फाइव अपॉन टू अपॉन में यहाँ पे फाइव यहाँ टू प्लस टू रेस्ट टू द पावर ई रेस्ट टू द टू मल्टीप्लाइड बाई ई रेस्ट टू द पावर एक्स माइनस लॉग एक्स एंड प्लस में सी. तो ये हमारा थर्ड वाले का भी आंसर आ गया. ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर, ये हमारा सेकंड वाले का आंसर, थर्ड वाले का आंसर. क्या चीज हमने नोट करी इसमें, क्या चीज हमने नहीं सीखी, कि हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने के बजाय हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो हमारा क्वेश्चन काफी हद तक इजी हो जाएगा. आप इसको कर तो सकते हो लेकिन आपके सिलेबस में अभी चीजें नहीं है कि आप उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर पाओ. सो इस टाइप के इंटीग्रेशन के लिए एक शॉर्टकट भी है बट वो हम आगे जब आपको पहले प्रैक्टिस करनी है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे. जैसे कि आपका x रेज टू द पावर समथिंग अपॉन समथिंग है, जैसे यहाँ पे आपका x रेज टू द पावर 3 अपॉन 2 है, x रेज टू द पावर 2 अपॉन 3 है,
इसको हम तुरंत कर सकते हैं बिना वो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला बिना लगाए हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। देखो आंसर आप मैच करना, मैं आंसर लिख के बता देता हूँ आपको। इसका आंसर था आपका एक्स रे टू द पावर 5/3, 3/5 प्लस सी, यहाँ पे 1 का हो जाएगा एक्स प्लस में सी, ये हो गया आपका डायरेक्ट आंसर। इसका हो गया इंटीग्रेशन, ये 1 का हो गया एक्स एंड प्लस सी आपका कॉन्स्टेंट। ठीक, तो हमारे पास एक शॉर्टकट भी है जिसकी हेल्प से हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, बट वो शॉर्टकट हम अभी जब वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तब डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये फॉर्मूले की हेल्प से हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1 में हम सबसे पहले क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, एक्सरसाइज हमारी 7.1 चल रही है। ठीक, तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है इसका, मतलब एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है। 4 × e^3x + 1 × dx इसका इंटीग्रल। ठीक, सेकंड पार्ट उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 9th आपका 2x² + e^x इंटू डी एक्स। उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारा, तीन तीन क्वेश्चन एक बार में सॉल्व करेंगे, ज्यादा नहीं, 6 के बाद। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर, हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है, sin 2x - 4 raised to the power ठीक, 4 raised to the power e^3x 4 × e^3x ये ब्रैकेट में dx। अब देखो ये तीन चीज हमें इंटीग्रेशन इनका करना है, हमारी 7.1 एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी में उसके क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन करेंगे बट पहले ये तीन क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं। देखो इंटीग्रेट करो इसे, 4 आपका कांस्टेंट है, 4 हो गया बाहर। ठीक, उसके बाद e^3x है, हमने ये पढ़ा है कि e^x का इंटीग्रेशन होता है e^x, यहाँ पे x की रेस्पेक्ट में होता है तो इसलिए dx। अब यहाँ पे अगर e^3x है तब क्या होगा, तो हमने जैसे डिफरेंशिएशन में हमने चेन रूल पढ़ा था, डिफरेंशिएशन में हमने चेन रूल पढ़ा था ना कि अगर e^3x है एंड इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है तब कैसे करेंगे, पहले इसको एज इट इज, मतलब e^x का e^x होगा। ठीक, तो e^3x एज इट इज, अब इसकी पावर में आ गया, इसकी पावर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 3 होगा, 3x का डिफरेंशिएशन 3, तो वो चीज हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे। अब क्योंकि इंटीग्रेशन आपका डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है, इंटीग्रेशन आपके डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है, तो हम इंटीग्रेशन में e^3x का क्या करेंगे, इसका कर देंगे ये एज इट इज, चेन रूल लगेगी। देखो यहाँ पे अलग से चेन रूल है, उसमें मल्टीप्लाई हो रही थी, उसमें हम डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें हम डिफरेंशिएशन डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया आपका e^3x का डिफरेंशिएशन। कैसे करा, सबसे पहले इस फंक्शन का क्या होता है, e का क्या होता है, e का होता है e, पावर में जो चीज है वो हमने एज इट इज लिख दी। उसके बाद जो चीज पावर में है उसका डिफरेंशिएशन करके, हम डिफरेंशिएशन के केस में मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन अपोजिट है तो हम डिफरेंशिएशन उसका डिवाइड करेंगे, अगर यही इंटीग्रेशन होता तो हम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करते, बट सिंस इंटीग्रेशन है तो वो चीज हमने डिवाइड में लिखी। ठीक, आई होप आप लोगों को ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो ये वाला क्वेश्चन अब हो जाएगा, 4 तो कांस्टेंट है, 4 बाहर, e^3x का e^3x एंड 3x का डिफरेंशिएशन 3 से कर देंगे डिवाइड, प्लस 1 का होता है x, आपका इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट हो गया प्लस सी। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 2x² 2x² मींस 2 कांस्टेंट x² का x³/3 कैसे x³ हो गया, x^n+1 होता तो 2+1 3 एंड डिवाइड भी आपको 2 वो n+1 से करना होता तो यहां पे 2+1 3 हो गया, प्लस अब e^x का e^x x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो यहां पे हम 1 से डिवाइड करें, लिखें फिर ना लिखें एक बात आपका यहां पे प्लस सी। इसमें भी आपको ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि साइन के अंदर सिंपल एक्स नहीं है, साइन के अंदर 2x है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का होता है -cos x, -cos x होता है साइन x का, तो साइन 2x का क्या होगा -cos 2x। अब 2x का डिफरेंशिएशन 2 डिवाइड कर देंगे, -4 एज इट इज, e^3x का जस्ट अभी हमने सीखा था कैसे, e^3x का e^3x डिफरेंशिएशन से डिवाइड, साइन x का -cos x। ठीक, अंदर आए, अंदर देखा हमने 2x है, 2x का डिफरेंशिएशन 2, डिफरेंशिएशन के केस में मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन के केस में डिवाइड,
इंटीग्रेशन के केस में हमने डिवाइड कर दिया, ई रेज टू द पावर 3x में भी सेम चीज करिए एंड यहाँ पे आपका कॉन्स्टेंट आ जाएगा प्लस सी। तो ये तीन क्वेश्चन काफी ईजी थे, काफी इजी नहीं, एक नया कॉन्सेप्ट हमने सीखा इसमें, मतलब इंटीग्रेशन में चेन रूल अगर आ जाए तो कैसे करना है। इंटीग्रेशन में चेन रूल में क्या होता है, जो भी अंदर फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करो एंड उससे डिवाइड कर दो। अगला क्वेश्चन हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 7, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, x स्क्वायर ब्रैकेट में 1 - 1/x² dx, इसका इंटीग्रल बताना है हमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कौन सा है, 7th के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर हम कौन सा लेंगे, 10 and 13 ले देते हैं। 10th है हमारा रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx एंड 13th क्वेश्चन क्या है हमारा, 13th है x³ - x² प्लस x - 1/x - 1 ठीक, यहाँ पे x - 1 dx, हमें इसका डिफरेंशिएशन वो इसका इंटीग्रेशन करना है। तीन क्वेश्चन है, तीनों इस बार थोड़ा सा लेवल अप हुआ है इस बार। लेवल अप कैसे, देखो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, इसको भी आप देखो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसका भी आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते एंड इसका भी आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, हमने क्या चीज सीखी थी अभी थोड़ी देर पहले, सिंप्लीफाई करना, कि अगर हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है तो हम चीजों को सिंप्लीफाई करके देखेंगे। इसमें सिंप्लीफाई बहुत ईजी है, इस वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट ओपन करो, आप ब्रैकेट ओपन करते ही x² × 1 x² माइनस का साइन x² × दिस तो ये हो गया 1, x² से x² कैंसिल, ये आपका ब्रैकेट में dx। अब इसका इंटीग्रल देखो, सिंप्लीफाई करते ये पोर्शन हो गया हमारा ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, x² का x³/3 माइनस 1 का हो गया x प्लस में c, ये हमारा दिखने में थोड़ा हार्ड लग रहा है क्योंकि इसमें रूट है फिर होल पावर स्क्वायर में, तो इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर खोल लेते हैं, रूट एक्स का स्क्वायर मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, यहाँ पे रूट एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स माइनस नहीं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिस रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1/√x तो इससे ये कैंसिल ठीक। अब हमें इसका करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स का इंटीग्रेशन हो गया x² / 2, 1/ का हो गया log x, माइनस 2 है तो माइनस 2x हो गया एंड बीच यहाँ पे प्लस c। सेकंड वाले में क्या करना था, स्क्वायर खोला हमने, स्क्वायर खोलते चीजें सिंप्लीफाई हो गई, x² / 2, 1/x का log x, माइनस 2 कॉमन था तो बाहर अंदर बचा 1, 1 का होता है x, बाद में आपने कॉन्स्टेंट पुट कर दिया प्लस c। ये वाला क्वेश्चन सोचो, ये वाला थोड़ा सा आपको काम करने की जरूरत है इस पे। इस वाले क्वेश्चन में देखो, आप ध्यान से देखोगे तो नीचे आपका x माइनस 1 है, अब आपको इसमें से ऐसी चीज बनानी है कि आप x माइनस 1 न्यूमरेटर से कैंसिल कर लो। सबसे पहले आप इन दोनों में से स्टार्टिंग में से x³ और x² में से आप x² कॉमन निकालो, x² आपने कॉमन निकाला तो आपके पास ब्रैकेट में क्या बना x - 1, फिर प्लस में x - 1, आपका x² आपने कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्यूब की वजह से एक x बच गया, माइनस 1 बचा, फिर आपका x - 1 था ही होल अपॉन x - 1। आई होप आप लोगों को चीजें थोड़ी थोड़ी विजिबल होंगी। इसमें से पूरे में से x - 1 कॉमन लो, पूरे में से हमने x - 1 कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा हमारे पास x² + 1 / x - 1 dx। देखो हमने अभी इंटीग्रेट करा नहीं है, बट इंटीग्रेशन से पहले हम चीजें सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि हमारी चीजें फॉर्मूले से मैच हो जाए। क्या हमने फॉर्मूला बताया, x^n का x^n+1 / n+1 कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका अब आपका इस ये कैंसिल हो गया तो आपका बचा x² + 1, क्या बचा हमारे पास x² + 1, इसका करना है हमें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे dx लिखा है, स्पेस नहीं थी इसलिए। x² का हो गया x³/3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो गया x एंड प्लस में आपका कॉन्स्टेंट, तो ये हो गया आपका इस चीज का आंसर। देखो देखने में तो लग रहा है कि बड़ा है काफी, जिसने प्रैक्टिस नहीं करी है वो कॉमन वॉमन नहीं निकाल पाएगा चीजें, तो आप देखो आपको अभी से देखो आप प्रैक्टिस की कितनी जरूरत है इसमें, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे एग्जाम टाइम में आप तुरंत क्वेश्चन कर ले जाओगे अपना बहुत इजीली। इसके बाद और क्वेश्चन लेते हैं, हमने अभी तक 9 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं एंड हर तीन तीन के उसमें हमने नया कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करी है। उसके बाद हम लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19,
19 क्वेश्चन नंबर है हमारा, sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x dx, ठीक, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। उसके बाद लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18, sec x ब्रैकेट में sec x प्लस tan x एंड dx, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। एंड हमें करना है 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे, सेक कोसेक सेक टेन साइन कॉस सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसमें कैसे करना है आप देखो, इसको आप ध्यान से देखो, तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम, अब क्या ये साइन का रेसिप्रोकल है, ये साइन का रेसिप्रोकल है तो इसको हम ऊपर ले जाके साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स। एंड क्या ये कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल मतलब नीचे लाके हम कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। देखो इन्होंने कितनी चालाकी से टेन स्क्वायर एक्स लिखा है ये, बट पहले उसको साइन अपॉन कॉस में चेंज करा एंड फिर आप साइन का रेसिप्रोकल नीचे लाके कॉस एक्स एंड कॉस का रेसिप्रोकल ऊपर ले जाके सेक, ताकि बच्चा अगर देखे तो उसको थोड़ी देर सोचने में ही लग जाए कि ये लिखा क्या है, ठीक। बट आपको अगर प्रैक्टिस रहेगी तो आप डायरेक्ट जाके उसको टेन स्क्वायर एक्स लिखोगे, उसके बाद आप फॉर्मूला लगाओगे एंड बहुत इजीली आप क्वेश्चन कर लोगे। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल। अब टेन स्क्वायर एक्स का तो हमने पढ़ा ही नहीं है, अब कैसे करना है, बट हम टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन एंड डी एक्स। एंड सेक स्क्वायर एक्स का तो हमने इंटीग्रल वो पढ़ रखा है कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो हमें sec स्क्वायर x मिलता है, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो हमें sec स्क्वायर x मिलता है, वही फंक्शन हमारा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखो इंटीग्रेशन क्या है, हमें कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए कि जिस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करें तो हमें sec स्क्वायर x मिले, जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे sec स्क्वायर x मिले वही फंक्शन हमारा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन भी होता है। क्यों, क्योंकि आपका डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों अपोजिट चीजें हैं। कोई अगर ऐसा फंक्शन अगर हम ढूंढने में सक्सेसफुल हुए जिसका डिफरेंशिएशन आपका sec स्क्वायर x आता है, तो वो चीज आपका sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगी। तो आई थिंक tan x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, एंड तो फिर sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है वो हो गया tan x, एंड माइनस वन है तो माइनस का हो गया x, प्लस में हो गया c। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड बना रखे थे चीजों को, सबसे पहले हमें चेंज करना था इसमें, फिर उसके बाद टेन स्क्वायर एक्स में, उसके बाद हमें टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता तो उसको हमने ब्रेक करा sec स्क्वायर एक्स माइनस वन में। sec स्क्वायर एक्स का हमें पता है कि डिफरेंशिएट करके sec स्क्वायर एक्स किससे आता है, टेन एक्स को डिफरेंशिएट करके sec स्क्वायर एक्स आता है, तो उसको इंटीग्रेट करके हमारे पास टेन एक्स आना चाहिए, ठीक। तो इसका हो गया टेन एक्स माइनस वन, माइनस वन का हो गया माइनस एक्स, एंड इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट हो गया प्लस सी। इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले में हम चीजें ओपन करते हैं, हमारे पास हो गया sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x एंड dx, एंड इसका करना है इंटीग्रेशन, ठीक। ये जब मैं ये जो सिंबल बन रहा है ये आपका इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये जहीं कहां भी कहीं भी लगाए तो उसका मतलब आपको अंदर का फंक्शन इंटीग्रेट करना है, किसकी रेस्पेक्ट में, यहाँ पे जो dx लिखा है, अगर मतलब r होता, r आपको अभी समझ नहीं आएगा r क्या है, बट अगर यहाँ पे r होता जैसे sec स्क्वायर r या फिर r थीटा, तो यहाँ पे अगर dr d थीटा होता तो उसी रेस्पेक्ट में करना होता, ठीक। तो जो भी चीज यहाँ पे लिखी है, जो भी फंक्शन लिखा है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अगर ऐसे लिखा होता y dy, तो y dy क्या होता, y स्क्वायर अपॉन टू, वही हमारा फॉर्मूला वही लगता, बस वहां पे x की जगह y आ गया है। देखो तो आपका dy हो सकता है, dz हो सकता है, dt हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको ध्यान देना है। सो sec स्क्वायर x का हमने जस्ट अभी पढ़ा क्या होता है, sec स्क्वायर x का होता है tan x। अब अगली चीज sec x tan x, ऐसी कौन सी चीज है जिसको डिफरेंशिएट करके हमें sec x tan x मिलता है, आई थिंक sec x है। sec x को डिफरेंशिएट करो तो हमें मिलता है sec x tan x, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x प्लस आपका कॉन्स्टेंट। सेम ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रखा है, बस आपका जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको स्प्लिट कर लो दोनों के नीचे, आपको इस 2 के नीचे अलग से ले लो cos square x एंड minus 3 upon sin 3 sin x के नीचे अलग से ले लो 2 upon cos square x minus 3 sin x upon cos square x, ये हो गया। इसका हमें dx लेना है, मतलब dx के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है,
अब 1 अपॉन cos स्क्वायर x है, तो क्या ये इसको रेसिप्रोकल करके sec स्क्वायर x लिख सकते हैं? ठीक, cos को अगर हम cos x into cos x लिखे चल जाएगा, देखो sin x है अपॉन cos x into cos x, यही है ना यहाँ पे, एंड साथ में 3 लिख लो, 3 है तो sin अपॉन cos हो गया आपका 10x, sin अपॉन cos हो गया 10, एंड ये इस cos का रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो गया sec x, तो माइनस 3 तो एज इट इज क्योंकि कॉन्स्टेंट है, एंड साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हमने ये निकाला, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका करना है हमें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे हमने डी एक्स भी लिख लिया, अब काफी इजी है। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का हमने जस्ट अभी लिखा टेन एक्स, टेन एक्स क्यों, क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, टू यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, माइनस 3 सेक एक्स टेन एक्स किसका होता है डिफरेंशिएशन, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, जस्ट अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा, तो यहाँ पे 3 sec x plus c, अब आप इसको अगर इंटीग्रेट करो, इसको आप डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हो, इसको आप डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा 2 tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, अब देखो इस स्टेप में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट, क्यों, क्योंकि हम चेक कर लें कि हमारा जो आंसर आया वो चेक सही आया है नहीं, मतलब इसको डिफरेंशिएट करके भी तो ये आना चाहिए वापस, डिफरेंशिएट करा tan x का sec स्क्वायर x माइनस 3 sec x का sec x tan x, अब sec x को नीचे लाके cos x लिखो, sin अपॉन cos लिखो, cos स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका नीचे आके cos स्क्वायर हो जाएगा, LCM लो आपको वही चीज मिल जाएगी, इसका मतलब हमारा आंसर एकदम करेक्ट है 100%, तो ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट का आंसर, हमने आपके 12 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, एंड इसके अलावा आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, उसमें हम बताएंगे शॉर्टकट, कि आपका शॉर्टकट क्या है, आखिरकार आपके कुछ शॉर्टकट भी हैं इसमें, शॉर्टकट मतलब जैसे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे मैथ के बोर्ड में, तो उसमें आपका शॉर्टकट काफी हद तक काम आएगा, उसमें आपसे कोई वर्किंग नहीं देख रहा, आपसे बस पूछा जाएगा कि ये चार ऑप्शन है, चार में से सही कौन सा है, तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट की हेल्प से आप डायरेक्ट ऑप्शन लिख सकते हो। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास देखो आपका द एंटी डेरिवेटिव ऑफ, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इज, हमें इसका एंटी डेरिवेटिव बताना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं बट हम पूरा सॉल्व करेंगे, लास्ट में हमारा आंसर एट द एंड आ ही जाएगा। ठीक, एंटी डेरिवेटिव बोला हो या फिर इंटीग्रेशन बोला हो, एक बात है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था इंटीग्रेशन एंड एंटी डेरिवेटिव एक ही चीज है, क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव का जो उल्टा होता है वो होता है इंटीग्रेशन, तो डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव हो गया आपका इंटीग्रेशन, अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, बेसिकली ये लिखा है हमें रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स dx, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। लास्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हमने ऐसे डिस्कस करा था जिसमें इसका स्क्वायर था, तो वो बहुत इजीली हो गया था, इसको कैसे करेंगे, इसमें अब हमें पावर्स देखनी पड़ेंगी, x रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 2 प्लस x रेज़ टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2, ठीक, इसका करना है डिफरेंशिएशन, वो इंटीग्रेशन, x रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 2 का हो गया आपका x रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 1, फिर प्लस x रेज़ टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, एंड आपका इंटीग्रेशन का कांस्टेंट प्लस c, सॉल्व करो आपका हाफ प्लस 1 होता है 1.5, मींस आपका 3/2, एंड यहां पे 3/2 तो यहां पे 3 एंड यहां पे 2, ठीक, प्लस x रेज़ टू द पावर 1 माइनस हाफ विच इज हाफ, एंड यहां पे 1 माइनस हाफ फिर से हाफ आएगा, यहां पे 1 यहां पे 2 प्लस c, तो आपका जो आंसर आया वो आया 2 अपॉन 3 एक्स रेज टू द पावर 3 अपॉन 2 प्लस 2 रूट एक्स प्लस सी, रूट एक्स लिखो या फिर एक्स रेज टू द पावर हाफ लिखो, एक ही बात है, यहां से हम 1 हटा देते हैं, ठीक, इसका इंटीग्रेशन या फिर इस चीज का एंटी डेरिवेटिव ये है, आप जो भी ऑप्शन में आपको चार में से ये ऑप्शन दिखेगा आप उसे करेक्ट कर लेना, बट अब हम शॉर्टकट की बात करने वाले हैं, इस आंसर को हम लिखे रहने देते हैं, अब हम शॉर्टकट पे जाते हैं, शॉर्टकट कैसे लगेगा आखिरकार इसमें, मतलब शॉर्टकट नहीं है, आप ध्यान से सोचो तो वो है वही चीज, बट एक शॉर्टकट मतलब इजी मेथड से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, रूट एक्स को हम लिख लिया हमने एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स को लिख लिया हमने
एक्स रेस टू द पावर माइनस वन अपॉन टू। अब इसका इंटीग्रेशन करना है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद हमें प्लस सी तो लिखना ही है, प्लस सी लिख लिया ठीक। अब एक्स रेस टू द पावर वन अपॉन टू को करते हैं, पहले एक्स लिखा ठीक। अब क्या करना है, पावर में आपका देखो, अब आपका वन अपॉन टू है तो आपका अगर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, वन अपॉन टू ये आपका फ्रैक्शन है कुछ, वन अपॉन टू है तो आपका फ्रैक्शन फॉर्म में तो आने ही वाला है ऊपर पावर ठीक। हमने लिख लिया, जो डिवीजन का साइन होता है हमने वो लगा दिया ठीक। अब आपका नीचे टू लिखा है तो टू एज इट इज, एक्स रेस टू द पावर वन अपॉन टू था, डिवीजन का साइन लगाया, नीचे डिनोमिनेटर में टू लिखा था, यहां भी हमने टू लिख लिया। न्यूमिनेटर में लिखना है आपको इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या है, टू प्लस वन इज थ्री। न्यूमिनेटर में हमने क्या लिखा है, इन दोनों का सम, टू प्लस वन इज थ्री, एंड डिनोमिनेटर हमने एज इट इज लिख लिया। इस चीज को रेसिप्रोकल कर दो, इस चीज का थ्री अपॉन टू का रेसिप्रोकल टू अपॉन थ्री, ये चीज इसमें मल्टीप्लाई कर दो ठीक। इसके बाद आते हैं इस वाले पार्ट पे, ये वाला पार्ट हमारा हो गया। सेम चीज इस पे, एक्स था, एक्स एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखो, इन दोनों का सम होता है टू प्लस माइनस वन, मतलब टू माइनस वन इज वन, इसका इसका रेसिप्रोकल करो, हाफ का रेसिप्रोकल इज टू, सेम आंसर है आपका। तो आप इसको अगर माइंड में जल्दी जल्दी करोगे, मतलब अगर मेरे से किसी ने पूछा होता कि इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो मैं ये पूरे स्टेप्स नहीं करता, मैं बस डायरेक्टली x रेस टू द पावर हाफ लिखता है तो 2 प्लस 1 3 अपॉन 2, यहाँ पे 2 अपॉन 3 प्लस x रेस टू द पावर 1 अपॉन 2, यहाँ पे 2 प्लस c, मैं डायरेक्ट ऐसे आंसर लिख देता ठीक। क्योंकि बस उसने मेरे से मेथड नहीं पूछा, मेरे से कोई स्टेप मार्किंग अगर नहीं है, मतलब स्टेप्स करके नहीं दिखाने अगर आपको, तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो, या फिर अपना आंसर चेक करने के लिए आप ये चीज अप्लाई कर सकते हो। बट ये सिर्फ एक जगह अप्लाई नहीं होगी, कहाँ पे, वन अपॉन एक्स के केस में। वन अपॉन एक्स के केस में क्यों नहीं होगी, वन अपॉन एक्स मतलब एक्स रेस टू द पावर माइनस वन, माइनस वन अपॉन वन हो जाएगा, ये माइनस वन अपॉन वन हुआ ठीक। एक्स रेस टू द पावर डिनोमिनेटर में तो वन था, वन एज इट इज, इन दोनों का सम आपका जीरो हो जाएगा। बट हमने पढ़ रखा है वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स ठीक। तो ये आप वन अपॉन एक्स का डायरेक्टली लॉग एक्स लिख सकते हो, बाकी आप कहीं भी आप कुछ भी करके देख लो, आप वन अपॉन एक्स स्क्वायर का करके देखो। वन अपॉन एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स रेस टू द पावर माइनस टू अपॉन वन, माइनस टू अपॉन वन है ना ठीक है, अपॉन वन लिखो या ना लिखो एक बात है, तो हमने अपॉन वन लिख लिया। क्यों, क्योंकि हमने फ्रैक्शन वाली चीजों के लिए पढ़ रखा है वो शॉर्टकट, तो हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया इसे, एक्स रेस टू द पावर अपॉन में वन, इन दोनों का सम हो गया माइनस वन, एंड यहाँ पे माइनस वन आपका नीचे आ जाए, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो माइनस वन नीचे आएगा, फिर माइनस वन ऊपर लिख लो नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ वन अपॉन एक्स। अब आप इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन करके देखो, आपका यही आंसर आएगा माइनस ऑफ वन अपॉन एक्स ठीक। तो ये आपका एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई। इसमें आपके बाकी और आपके 6-7 क्वेश्चंस और बचे हैं, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट जो क्वेश्चन में आप बच्चों को ज्यादा दिक्कत होती है या फिर जो थोड़े से ज्यादा ट्रिकी थे, वो चीज हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। देखो सबसे पहले हमने सिंपल इंटीग्रेशन डिस्कस करा कि आपका अगर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आपका इस टाइप के इंटीग्रेशन है तब कैसे करना है, तो आपका सिंपल फॉर्मूला एक्स रेस टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, वो हो गया सिंपल फॉर्मूला। बट कई केसेस में क्या होगा, कई केसेस में हमें डायरेक्ट पावर वाली फॉर्म में नहीं दिया होगा, तो हमें सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी चीजें। जैसे अभी एक क्वेश्चन में हमने एक्स माइनस वन कॉमन लेके कैंसिल आउट करा था, तो वैसे हमें चीजें कुछ कॉमन लेनी पड़ेगी, या फिर हो सकता है कुछ मल्टीप्लाई भी करना पड़े, तो अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर खोलना पड़े, तो ऐसे करके हमें चीजें सिंप्लीफाई करनी है, ताकि हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ रखा है उस तरीके से हम उसको बना लें स्टैंडर्ड फॉर्म में, एंड उसके बाद तो हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता ही है, उसमें अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो दो चीजें हमने पढ़ी, क्या क्या, एक तो आपका नॉर्मल इंटीग्रेशन, मतलब जो आपका फॉर्मूले की मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, एंड एक आपका सिंप्लीफिकेशन वाला, कि आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। नॉर्मल फॉर्म का आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे, आप करोगे डायरेक्ट इंटीग्रेशन ठीक। सिंप्लीफाई सिंप्लीफिकेशन करके आप पहले नॉर्मल पे जाओगे, एंड फिर नॉर्मल से आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे, एंड डायरेक्ट इंटीग्रेशन के लिए हमने फॉर्मुलेज डिस्कस कर रखे हैं। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी। इसके बाद जब आप सेकेंड एक्सरसाइज में जाओगे, आपको पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, आपका जैसे इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, आपको कोई फंक्शन एफ एक्स है एंड डी एक्स के रेस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करना है, बट यहाँ पे ऐसा फंक्शन दे रखा है जो इंटीग्रेट ही नहीं हो रहा, ऐसा फंक्शन है जो इंटीग्रेट ही नहीं हो रहा। आप देखो साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स,
अभी तक जो भी चीज हमने पढ़ी आप इंटीग्रेट करके देखो, आप इससे नहीं होगा। आप मतलब हमने जितने भी चीजें अभी तक पढ़ी है, साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है, कॉस एक्स का पढ़ा है, टेन एक्स, फिर वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वो सब चीजें हमने पढ़ी है। बट आप कुछ भी अप्लाई कर लो, आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अभी तक जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग तो आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन बहुत कम देखने को मिलेगा एग्जाम में। आपके एग्जाम में इस टाइप की चीजें आएंगी, इस टाइप की चीजें प्लस वो सिंप्लीफिकेशन जो अभी हमने देखा, मतलब आपका कुछ चीजें होंगी उनको आप सिंप्लीफाई करोगे, फिर उसमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे, तब जाके आप नॉर्मल डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर पाओगे। वो चीज हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। अगला लेक्चर मतलब जो कल आने वाला है, उसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीटली डिस्कस करेंगे एंड आपकी एक्सरसाइज 7.2 वो डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको चीजें समझ में आई, आपको मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करने में एंड आपको चीजें समझ में आई एंड आप कर पा रहे हो एक्सरसाइज अपनी, सो इस वीडियो को शेयर करो। अगर कोई क्वेरी रह गई है फिर भी तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो क्वेश्चन, मतलब आप क्वेश्चन भेजोगे, मैं आपका जो भी आपकी क्वेरी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी ताकि आप रेगुलरली अपडेट होते रहो आपके सिलेबस से। एग्जाम अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो अभी तक अगर पढ़ाई स्टडी में शुरू नहीं करी है तो पढ़ाई शुरू कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।